पाकिस्तान में रात के 1:30 बज रहे थे। यास्मीन अपने हाथ में लिए एक पिस्तौल से अपने सोते हुए पति पे फायरिंग करती है। गोली चली नहीं, वो बेतहाशा 3-4 बार और ट्रिगर दबाती है, मगर अब भी गन से एक बुलेट भी फायर नहीं हुई। वो भागते हुए दूसरे कमरे में जाती है और बंदूक को चेक करती है, उसकी गोली को निकालती है और फिर से उसमें भरती है और वापस से अपने सोते हुए पति पे गन तान के खड़ी हो जाती है। और इस बार वो गन को उसके एकदम सर के पास लगाती है और फिर से एक बार ट्रिगर दबाती है और इस बार गोली उसके पति के सर के आर पार निकल चुकी थी। मगर वो यहाँ नहीं रुकती, उसके अंदर अपने पति के लिए इतनी नफरत थी कि वो उसके सीने पे बाकी के बचे बुलेट्स को भी उतार देती है और इसके बाद बिस्तर पे उसके बगल में बैठ के उसे एक टक देखती रहती है और सुकून की आहें भरती है। ये स्टोरी एक ऐसे रिवेंज मतलब बदले की कहानी है जिसे अब तक आपने फिल्मों में ही सुना होगा। आखिर यास्मीन की कहानी थी क्या और उसने अपने पति को क्यों मारा, उसके अंदर इतनी नफरत थी क्यों? दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वीडियो इज आइदर टेकन फ्रॉम सम बुक, इंटरनेट और फ्रॉम सम डॉक्यूमेंट्री। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। ये कहानी शुरू होती है दो दोस्तों के साथ, जहां अफगान शाह जमीन एक अफगानी शरणार्थी था जो कि पाकिस्तान के पेशावर में काम करता था, जो जो कुछ भी कमाता अपने जिगरी दोस्त गुलिस्तान को अपने पास हिफाजत से रखने के लिए दे देता, क्योंकि पाकिस्तान के जिस हिस्से में वो रहता था वहां के हालात कुछ ठीक नहीं थे और कब वहां लूट और डाका पड़ जाए भरोसा नहीं। और एक अफगान शरणार्थी होने के वजह से उसका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। ऐसे ही समय बीतता गया और 2018 का साल आ गया, जब एक दिन अचानक अफगान को पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसे अपनी तबीयत थोड़ी नासाज लगती है, जिसके लिए उसे डॉक्टर के पास जाना था। और उसने अपने दोस्त गुलिस्तान, जिसके पास वो अपने पैसे रखता था, उससे अपने पैसे मांगता है, मगर गुलिस्तान उसके इस बात को टालते हुए कहता है कि इस वक्त तो उसके पास पैसे नहीं है, मगर अगर अफगान कहे तो वो उसके लिए इनायत कली बाजार से दवा लेके आता है और उससे उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ समय बाद पाकिस्तान के बाजौर डिस्ट्रिक्ट में, जहां अफगान अपने परिवार के साथ रहता था, वहीं इत्तेफाक से एक नदी किनारे उसकी मुलाकात गुलिस्तान से हो जाती है, जहां गुलिस्तान हाथों में 2 इंजेक्शन और कुछ दवाई लेके आ रहा होता है और वो अफगान शाह को कहता है कि देखो मियां, तुमने जो दिक्कतें बताई थी मैंने उसे डॉक्टर को बताया और उसने ये 2 इंजेक्शन और कुछ दवाइयां दी हैं जो तुम्हारे मर्ज की दवा है और इससे तुम 2 दिन में फिर से चंगे भले हो जाओगे। और ऐसा कह के उसने एक इंजेक्शन अफगान को वहीं नदी किनारे लगा दी, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। इसके चंद घंटों के बाद खबर आती है कि अफगान की मौत हो गई। लोगों ने कहा कि वो बीमार था इसलिए बीमारी से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके पत्नी यास्मीन को सारी कहानी पता थी कि उसकी मौत कुदरती नहीं थी बल्कि उसे गुलिस्तान ने मारा था। मगर पोस्टमार्टम और कोई पुलिस स्टेशन ना होने के वजह से गुलिस्तान पे कोई केस नहीं होता। यास्मीन अपने पति अफगान से बहुत प्यार करती थी और उनकी लव मैरिज हुई थी और अफगान के मौत के बाद उसने खुद एक जासूस बन के उन दवाइयों और इंजेक्शन का पता लगाया, जिससे नतीजा ये निकला कि वहाँ इनायत कली बाजार में कोई ऐसी दवाई नहीं बेची गई थी। फिर शक और गहरा हुआ जब उसने गुलिस्तान से अपने पति के जमा किए गए पैसे मांगे और उसने जवाबन कहा कि उसने अफगान शाह की पूरे पैसे उसके मौत से पहले ही अफगान को लौटा दिए थे। इसके बाद यास्मीन 6 महीनों तक गुलिस्तान से बदला लेने के लिए तरह तरह के तरकीबें सोचती रही और आखिरकार उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया, मगर उसने उसके शादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि गुलिस्तान पहले से ही शादीशुदा था। इसी तरह समय बीतता रहा और साल 2021 में यास्मीन ने उसे फिर एक बार शादी का प्रस्ताव दिया और कहा कि मेरे पास काफी पैसे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे एक कार खरीदो और अपने परिवार की भी अच्छी परवरिश करो, मगर इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी ताकि मुझे भी एक आसरा मिल सके। गुलिस्तान लालच में आ जाता है और इस बार वो उसे ना नहीं बोल पाता। गुलिस्तान और यास्मीन निकाह के कुछ वक्त बाद उसी इनायत कली बाजार में एक मकान किराए पे लेते हैं, जहां से अफगान के मौत का सामान गुलिस्तान ने खरीदा था। यास्मीन गुलिस्तान से कहती है कि तुम तो अक्सर अपने पहले पत्नी के पास आते जाते रहते हो, तब मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ और आजकल पाकिस्तान के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, तो मेरी हिफाजत के लिए तुम क्यों नहीं एक पिस्तौल ले आते हो जिससे
तुम ही मुझे चलाना सिखाओ ताकि मैं उससे अपनी हिफाजत कर सकूं। गुलिस्तान ने भी यास्मीन की इस बात को सही कहते हुए खुद अपनी मौत का खिलौना 13,500 में लेके आता है, जिससे यास्मीन को वो बड़े प्यार से चलाना भी सिखाता है। और इसके बाद यास्मीन ने उसी पिस्तौल से अपने पति अफगान की मौत का बदला लिया और उस पिस्तौल की सारी बुलेट्स गुलिस्तान पे उतार दी। और इस कहानी को उसने अपने इकरारे जुर्म के तौर पे पुलिस को सुनाया। पाकिस्तान में जहां कई लोग यास्मीन के इस हत्या को सही भी कहते हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग उसे एक कातिल के नजरिए से देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे और अब तक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो और ऐसी बाकी वीडियोस के लिए जरूर कर देंगे। टेक केयर, स्टे सेफ एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ए स्टोरी टेलर। थैंक यू।